केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 साल का शासन केंद्र में पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 1 जून से 14 जून तक अभियान चला रही है। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ ही राज्य सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं कि भारत एक राष्ट्र है, ऐसे लोग राष्ट्रवाद की क्या बात करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद देश में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस का सूरज अस्त हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर इतना होने लगा है कि चिंता होने लगी है। यह पीके को लेकर आए थे, वह भी इन लोग को छोड़कर भाग गया। उसे लगा कि कांग्रेस को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस को उसमें मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस की स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की स्थिति को लेकर आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सूरज अस्त हो रहा है। देश में पिछले 8 सालों में हुए राज्यों के चुनाव में 680 सीट में कांग्रेस उम्मीदवार सिर्फ 56 सीट ही जीत पाए हैं। कांग्रेस का ट्रेनर प्रशांत किशोरी भाग गया। पीके बोलते हैं कि कांग्रेस में कुछ बदलाव नहीं हो सकता। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अब कांग्रेस से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल प्रतिद्वंदी हैं। छत्तीसगढ़ की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो राज्यसभा की सीटें थी, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ की बड़ी बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिसको वो राज्यसभा भेज सके। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के रूप में इसे मना रही है। देश भर में लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश में भी 1 जून से 14 जून तक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद राज्यों का बजट बढ़ा है। पिछले बजट की तुलना में 8000 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। राज्य सरकार ने गरीबों का आवास छीन लिया। जल जीवन मिशन की राशि का बंटाधार हो गया। आयुष्मान भारत को राज्य सरकार लागू नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।